वेलकम बैक टू पंजाब केसरी एंड नाउ द टाइम्स। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर और आज मेरे साथ है द फैबुलस, द गॉर्जियस, द अमेजिंग कास्ट ऑफ कॉल मी बे। वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच। सो मैं खुद एक जेंजी हूँ, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत मजा आया। मैं वेट कर रही हूँ कि बस ये जल्दी से रिलीज हो और मैं देखना शुरू करूँ। तो मुझे अब ये जानना है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो, पहले तो मुझे ये बताओ। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरा डेब्यू है एज अ डायरेक्टर, तो आई कांट वेट। ओके, आई कैन गेट अ जेन ज़ी वाइब फ्रॉम यू। लेट्स सी कौन कौन जेन ज़ी वाइब अप्रूव करता है। लीजा, टेल मी। ओह, आई एम सुपर एक्साइटेड, इट्स आल्सो माय डेब्यू, सो वेरी एक्साइटेड। जेन ज़ी अप्रूव? अप्रूव, अप्रूव। आई एम वेरी एक्साइटेड। एम आई जेन ज़ी? लाइक I'm definition of Gen Z. I think I'm the only Gen Z here. I'm actually the only Gen Z here. I'm not Gen Z, but I'm still excited for the show. Varun. नहीं ठीक नहीं नहीं आई थिंक हम इतने बैक टू बैक आए हैं आज की, इट्स नॉट संक इन। आई थिंक जब हम सब घर जाएंगे और हम देखेंगे हमारा फोन। नहीं, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ काम करने में इतना मजा आया, सोचो देखने में कितना मजा आएगा। एक्साइटेड तो नर्वस भी हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन छुपा रहा हूँ। बट आई छुपा रहा हूँ, आई एम रियली नर्वस। यू आर आल्सो क्लोज टू जेन ज़ी? या, आई एम लाइक द कस्प। या, ओके, गुड फॉर देम, प्लीज। या, आई एम एक्साइटेड, बट अभी तो काफी दो हफ्ते हैं अभी, तो देखते हैं। तो उस टाइम में क्या, ही इज नॉट जेन ज़ी? या, या, दो हफ्ते अनन्या कैंसिल, यू नॉट मी। आ गए अब क्या, लेट बैक मिलेगा। ओके अनन्या, आई वांट टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू विद द बे एंथम। Oh, okay. Mm-hmm. So I heard your Bay anthem in the morning. So I want you to say that anthem okay. again. I am Bay. I'm here to slay, eat, love, and pray, seize the day. Yay! That's amazing. So I want to know के set पर सबसे अच्छा moment जो आप लोग अपने साथ लेकर ज़िंदगी भर के लिए साथ लेकर जा रहे हो, वो कौन सा moment या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है if Anybody, कोई materialistic thing जो साथ लेकर काफी कपड़े चुराए हैं सबसे materialistically I took quite a few clothes. Memories तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। I can't think of just one, but there's so many. Think of something. I think beginning of shoot हमने हमारा जो घर है तमारा साहिरा और बे का, तो वो उसका शूट किया था हमने साउथ बॉम्बे में और वो 8 दिन का मतलब सेगमेंट था और आई थिंक वो काफ़ी स्पेशल था क्योंकि सब आए थे उस समय और सब एक दूसरे से मिले थे और पहली बार टीम एक दूसरे से मिल रही थी और रियलाइज़ कर रही थी कि अरे वाह, नेचुरल केमिस्ट्री है यहाँ पे। तो तब एक्चुअली काफ़ी मज़े आए थे। आई थिंक ब्रेक्स पे जब वीरदास टेस्ट मटेरियल हमारे ऊपर ट्राई कर रहे थे उनके स्टैंड अप शोज के लिए। आई थिंक जब हमने पहली बार ना एक टेबल रीड किया था और सबने अपना अपना रोल स्क्रिप्ट पढ़ा था एज एन ऑडियंस सबके लिए, एंड तब मुझे लगा कि ये शो बनने वाली है और अच्छी बनेगी। सो दैट मेमोरी आई रियली चेरिश। और एक्चुअली हर रोज एक्साइटमेंट था कि हम सेट पे आने वाले हैं, सबको मिलने वाले हैं। ऐसा होता है शूट पर कि लंच में सब बैंड्स में चले जाते हैं या शॉर्ट के बीच में सब चले जाते हैं, पर हम ऑल द टाइम हम साथ में बैठते थे। लाइक अभी भी हमें ब्रेक मिला, हम साथ में बैठ रहे थे। लाइक वी आर ऑलवेज टुगेदर, इट्स लाइक समर कैंप। या एक्चुअली, सो डू यू थिंक कि आप लोग बहुत मिस करने वाले हो बंस? पर सीज़न 2 होने वाला, होपफुली होने वाला है। और हमारा ग्रुप चैट भी काफी एक्टिव है, बहुत एक्टिव ग्रुप चैट है भाई साहब। हां भाई साहब, मैं तो बहुत मिस करता हूं सर। या, दैट्स क्यूट। वरुण, आई थिंक जब हम घर पे लास्ट डे शूट कर रहे थे तो वी वर शूटिंग द लास्ट सीन ऑफ द शो एंड everybody were having a good time and I was just observing everybody ki yaar ye ek din hum shoot pe nahi aayenge, hum ghar baithe honge. So for me that feeling of it ending only was tough. So imagine ki every time I was on set it was like make the most of it. So every day was special for me. Guys, please watch this show so we get another season. Yeah. So we can hang out again. Yeah. Rehan, my first day of shoot was with them only in the house jahan pe main aaya tha, and I walked into a room and everyone was just seated in the darkness just nicely talking on about the bed. On yeah. the bed on one small bed just nicely talking about like life and stories and so on and so forth. So mujhe laga ki ye bas kaam nahi hai, ye friendship bhi hai. And all to add to that, on my first day of shoot, like many others, Colin gifted me a book. And it was so sweet. There was a book there, there was a gift. Which there book? It was personal for each person. For me it was a book on the meaning of Pink Floyd songs, because okay. I told him I was a very big fan of Pink Floyd, so usne mujhe tohfa diya tha. There was so I felt that was very very sweet and it just felt like a very very warm set.
Good, Fateh, please. I think just the moments that we shared, mere liye, matlab, mera pehla show tha, jismein, there was no drama. Like, there was nothing, there was no bad blood. It was all like, everyone was very good to each other. It was all fun and games. At least, I don't know that there was bad blood. No, there was, but you're saying other shows had bad blood. Yeah, yeah, 100%. I mean, there's always some drama, some shit going down. We were trying to create drama, but actually, but there was no, actually it wasn't happening. तो किसी ने सच में ड्रामा क्रिएट किया सेट पे नहीं सब अच्छे दोस्त बन गए ओके आई थिंक दे हैव अ स्टोरी टेल मी नहीं 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 मैं ऐसे बोल रहा था ऑलमोस्ट आ चुकी थी बाहर नहीं जो भी लव स्टोरीयां चल रही थी वो भी स्वीट ही थी कोई ड्रामा नहीं था ओके लव स्टोरी आज इन किसकी लव स्टोरी इफ आई कैन नो बात नहीं कर सकते उसके बारे में ऑल द बॉयज हैड अ क्रश ओके आई गॉट अ हिंट इट्स अबाउट वायरन आपने ये बहुत जेन जी पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है बट डू यू थिंक जेन जी ना बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ये कोई भी चीज को कभी भी वायरल कर देते हैं कोई भी मतलब कुछ सेंस नहीं है उसमें तो भी वो वायरल हो जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा सेंसलेस चीज को भी डीपली देख लेते हैं तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था इसके पीछे कि जेन जी कैसे यू नो रुके बस इस पे आपने एक्चुअली परफेक्टली आपने कहा है कि जेन जी कोई भी चीज को वायरल कर देते हैं यू नो एंड हम लोग मतलब चौंक जाते कि हाउ कैन समथिंग गो वायरल लाइक एक यहाँ पे एक रील वायरल है जहाँ पे कोई लेडी क्वेश्चन पूछ रही है और वो लड़की बोलती है सॉरी मैम सोचना पड़ेगा ओके एंड दैट हैज गॉन वायरल जस्ट दैट सो आई कांट बिलीव कि कुछ बट आई फील लाइक देयर इज ग्रेट पावर इन दैट कि मतलब अगर हम वो यूज करें फॉर समथिंग गुड लाइक गिविंग अ वॉइस टू सोशल कॉजेज यू नो द रीच इज अमेजिंग एंड आई हैव टू से दैट मैं तो खुद मिलेनियल हूँ बट जेन जी आर वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एंड नॉट सेल्फिश यू नो सो दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ You know, and self-belief, जो हमारे में नहीं था हम सब people pleasers थे हमारे generation के मतलब हम कुछ भी करते थे and I think they defines that good quality of Gen Z. Correct, I agree on that because trailer में वो दिख रहा है so as आपने meme की बात की है और Gen Z की बात हो ही रही है तो सबके favorite memes जानना चाहूंगी मैं starting with Ananya कौन सा favorite meme है आपका maybe any dialogue or anything मैं तो चाहता हूँ कि शो पे बहुत सारे मीम्स बने। I know, I hope कि लोग बनाएं। Right, not that chimp tapak dum dum वाला मुझे बहुत पसंद है। Chimp tapak dum dum. That sound is really viral. निहारिका। बिल्कुल बहुत बेतुकी सी है पर एक है एक बेर खड़ा हुआ है मतलब अटैक पोजीशन पे और उसके दो पंजे ऐसे हैं और उधर नीचे लिखा हुआ है हाउ अबाउट नो एंड आई रियली लाइक दैट मीम एक्चुअली आई लाइक दिस ये मेरी अम्मी है ये मेरी अम्मी है माय गॉड माय वायरल ऑन नेक्स्ट लेवल जनरेशंस ओके वंस वेर वेरी यंग कि ये मेरी अम्मी है ये मेरी अम्मी है टुवर्ड्स द एंड देयर इज अ अम्मी लाइक मैं इसकी अम्मी हूं बॉस लाइक दैट इज कैरी मनोज कैरी शिट सॉरी बट आई बहुत सी है अक्षय सर का हर डायलॉग और तो क्या कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए और जैसे हम चाहिए वो किसको चाहिए लाइक आई लव ऑल ऑफ दैट आई लाइक द शाहरुख बारमैन Your algorithm is gone. I'm trying to laugh and be all like Gen Z. By the way, all of your phones are on. It's going to pick up everything. Yeah. Oh my god, we're going to start getting it. Ganji Chudel. I love Ganji Chudel. Ganji Chudel. I love Ganji Chudel. I know Ganji Chudel. I know Ganji. You can do a cameo next season. Okay, Ananya, I want to know that Ananya mein Bay hai ya Bay mein Ananya hai? Sounds like wrong, but हम दोनों please explain me. हम हमारे same. That's my favorite meme. I mean, मैं बे में हूँ, मैं मुझ में. It's just I mean, someone said कि I don't know where बे ends and Ananya begins. वैसा ही है. There are a lot of qualities जो similar like cat dog. Yeah, that's weird. But there are lots of similarities and differences also. They have some internal jokes going on. Constantly, constantly. Just ignore them. Yeah.
We're back. Okay, Niharika, as you're playing a journalist again, so इस बार क्या अलग है? इस बार क्या अलग किया? I think सारा मैथ्यूज और तमारा पवार बहुत अलग टाइप के जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत अलग न्यूज़ चैनल्स में हैं और उनके एस्पिरेशंस भी बहुत अलग हैं. आई मीन तमारा लुक्स अप टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड तो हाँ, आई थिंक स्क्रिप्ट में ही था जो भी था और दुनिया बहुत अलग है तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि वो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं जर्नलिस्ट दोबारा कर रही हूँ, पर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम दुनिया बहुत अलग है और काम से बाहर भी उसकी लाइफ बहुत दिखाई जा रही है, तो दैट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग फॉर मी. ओके, सो अगर सोशल मीडिया ट्रोल्स को एक वर्ड में आप लोग को जवाब देना है आज, तो क्या आप जवाब दोगे उनको? स्टार्टिंग विद वरुण, बिकॉज आई हैव सीन के दो वर्ड दे दो. हाँ, दो तीन सेंटेंस भी दे सकते हो. या सो सोशल मीडिया ट्रोल्स को अगर आपको जवाब देना है और आज आपके पास मौका है उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का, तो आप क्या बोलोगे? जो मुझे जनरली बोलना है वो मैं शायद ना बोलूं. चल हट, माइनस दैट मी मैं बाहर में. आई थिंक माइन वुड बी लाइक प्लीज वॉच गॉर्डन बी, मुझे प्रमोशन करना है सिर्फ उसकी पड़ी है मुझे. निहारिका, प्यार ढूंढ लो यार. भाई सांस ले. टच ग्रास. वो पंक्चुएशन के बिना लिखते हैं कभी कभी, तो इट्स अ लॉट in one paragraph, so it's just like relax. Right. Good for that. बोल लो यार. क्या फर्क पड़ता है? Colin. Block. Simple. So, बे को पू से भी कनेक्ट किया जा रहा है और जेन सी पू भी कहा जा रहा है, तो कैसा लगता है जब एक आइकॉनिक कैरेक्टर से आपको कंपेयर किया जाता है, बट क्या डर भी लगता है कि नेगेटिव ना हो जाए वो? मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि लोग यू नो दे थिंकिंग दैट शी इज अ जेन ज़ी पुअर. फॉर मी करीना इन दैट कैरेक्टर इज सो आइकॉनिक, लाइक उसकी कोट्स मेरे मिरर पे चिपके हुए हैं. आई ड्रेस अप लाइक हर व्हेनेवर आई कैन, तो इट्स लेफ्ट सच अ बिग इम्प्रिंट ऑन माय लाइफ. तो आई होप एंड आई प्रे कि यू नो बे ऑल्सो इम्पैक्ट्स पीपल लाइक दैट. तो बहुत प्रेशर है एंड yeah, I just want people to enjoy it and like it. Now you've scared me by asking me this. मुझे pressure लग रहा है. It's amazing. It's a really different character and iconic in her own right. And people are going to love your character. भले compare किया जाए, but I feel कुछ है अलग इसमें. I hope so. So एक बहुत fun segment सा game है मेरे पास, जिसमें मैं आपको एक question पूछूंगी, लेकिन आप लोग को नाम लेकर चिल्लाना है. तो जिसका नाम मुझे सबसे ज्यादा सुनाई देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये है वो सेट पर जिसने सबसे ज्यादा ये किया है. ओके, सो सबसे ज्यादा सेट पर सेल्फीज कौन लेता था? सबने एक आंसर दिया. सबसे ज्यादा मिरर कौन देखता था? अनन्या. बिहार. या वन मोर आंसर. बिहार. एक्चुअली बिहार. दिस आई थिंक बिहार. सबसे बेकार जोक्स कौन मारता? वरुण. कोई एक गंदा जोक सुना दो. ओह माय गॉड. प्लीज एक और है मेरे पास. तो ये बे और प्रिंस के बारे में है जोक, ठीक है? तो बे ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहती है, 50th फ्लोर पे रहती है, और प्रिंस नया नया शिफ्ट होता है सेकंड फ्लोर में. तो बे बोलती है, अरे प्रिंस तू यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, मेरे घर खाना खाने आ जा. और प्रिंस बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा. तो प्रिंस रात को जाता है खाना खाने के लिए, तो बे के डोर के बाहर लिखा होता है, हाँ हाँ बेवकूफ बनाया मैं तो यहाँ पर हुई नहीं. तो प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, तो प्रिंस ना पेन निकालता, पेपर निकालता, लिखता है, हाँ हाँ मैं तो यहाँ पर आया नहीं. Okay, that was good. No, no, don't promote it. It was a bekar joke. Bekar joke. No, it was nice. I don't get it. Because then everyone she didn't understand the Hindi. Oh, no, no, no. I joke का तात्पर्य ये है. हाँ, बताइए जी. नहीं नहीं. Okay. कौन सेट पर? I'm like you. Okay. So सेट पर कौन रोया है? ज़्यादा या थोड़ा? या रोया है just? रोया. Anyone? किससे सबसे ज्यादा डांट पड़ी? डांट पड़ी लायरा. लायरा एनी टीम.
लायरा को पता ही नहीं चलता कि उस पे डांट पड़ रही है, फर्क हुआ, डांट तो नहीं, डांट नहीं पड़ी, मतलब डांट तो नहीं पड़ी, हम हंसते थे, या वाज जस्ट अ जोक. जो असिस्टेंट्स है ना उनको डांट, उनको डांट पड़ी, एक्टर्स को हिम्मत नहीं होती, सो जाते थे वो. ओह गॉड. ओके, आर वी टॉकिंग अबाउट एनीवन? किसे अपनी लाइंस सबसे ज्यादा अच्छे से याद रहती थी? अनन्या. और कौन सा नेम एवरीवन? अनन्या. अनन्या. और कौन भूल जाता था? गुरुपते. सबसे ज्यादा फूडी कौन था सेट पे? अनन्या. सब एक्चुअली सब. ओके, लास्ट वन, सबसे ज्यादा लेजी कौन था? द एडीटी. एक हमारे नील. 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 नील कैरेक्टर नहीं, नील. हमारे वन. ओके ओके, सो एंडिंग दिस विथ के आप लोग को बे के अंदाज में ऑडियंस को कहना है कि 6 सितंबर को देख लो. You all have to talk like Bane now. Let's make Colin say it, because I think he can do the best. Oh my God, he's me. He can 100% do the best. We'll start from you. I want everyone to say. I want to see. कितने अच्छे से बे. Everyone except me has to say this. Just Colin. Let's start with him. Oh God, now the pressure, performance pressure. So guys, I have a new show coming out. It's called Hashtag Call Me Bae. Please tune in on September 6th, Prime Video. Oh, I loved it. I'm Bae, I'm here to slay. Our what? Show is coming your way. Oh, no, that's nice. So cute. Good, good. Minus. Net prompt tumhare saath jao. Oh, It's really hard. Gurfati, no wonder I didn't get tickets for me. I'm thinking. Wait now. No, I'm also thinking. See, now it's not that easy being Bae. Yeah, no, actually, everybody auditioned for Bae. Now you know that we didn't get it. Okay, Niharika, you go. Oh, shit, I abandoned in the middle. But guys, mera show aa raha hai September 6th ko, so please use dekh. That was cute. Not applicable. Okay, Varun. Oh my God! Don't look at me. यहाँ मत देखो. हाँ. रिक्शा में सीट बेल्ट नहीं है. That is not a मजेदार thing. But हमारा शो काफी मजेदार है. Please हमारा शो देखिए. Call me Bae. September 6th को. Only on Prime Video. He's like he had it in his back pocket. Rehan. Guys, you'll need to watch Call Me Bae. The trailer's out today and it's slaying and I cannot believe it. Like, I'm dying. Please watch it. It's out on the 6th. The dying is good. Slay. Slay. Yeah, let's just say Flossom, awesome. Flossom. I really have to watch this. Oh, please don't. Please don't. Same Punjabi. It's Punjabi. Do Punjabi bhi, please. हाँ जी, मेरा शो आ रहा है जी 6 सितंबर नू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो देख लियो. Very nice guys. Thank you so much. मैं वेट कर रही हूँ, अब तो देखना ही पड़ेगा, इतने अच्छे से सबने कहा है. So thank you for your time. Thank you so much.